अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों, मेरा नाम शाजिया है और मैं आपकी तीसरी जमात की उर्दू की टीचर हूँ। आज मैं आपको तीसरी जमात की दर्सी किताब की नज़म नात बातें हुजूर की का तारुफ दूंगी। तो आइए नात के तारुफ की तरफ चलते हैं। नात का तारुफ। जिस नज़म में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए नात कहलाती है। अब आइए नात के तशरीहात की तरफ चलते हैं। बंद नंबर एक। इस बंद में क्या कहा जा रहा है, गौर से सुनिएगा। आओ ना आज जिक्र करें कुछ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह के नबी का, जहानों के नूर का। फरमान है कि बच्चे गुलिस्तान के फूल हैं, वल्लाह कितने प्यारे हमारे रसूल हैं। इसका मतलब यह है, आज हम अल्लाह के प्यारे रसूल का जिक्र करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल हैं, उन्होंने फरमाया है कि बच्चे बाग के फूल हैं। यहाँ गुलिस्तान का मतलब बाग के हैं। अब आइए बंद नंबर दो की तरफ चलते हैं। सहरा में बकरियां भी चराते रहे हुजूर, झड़बेरियों के बेर भी खाते रहे हुजूर। कपड़े फटे तो आप ही पेवन लगा लिया, बकरियों का दूध धो लिया, चूल्हा जला लिया। इसका मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरा यानी रेतीले मैदान में अपनी बकरियां चराया करते थे और वहां झाड़ियों में बेर या कोई फल होता तो वो भी खा लिया करते थे। यानी अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े फट जाते तो खुद ही सी लेते थे, बकरियों का दूध भी निकाल लेते थे और खुद ही चूल्हा जलाकर पका भी लेते थे। अब आइए बंद नंबर तीन की तरफ चलते हैं। फरमाया मेहनती ही खुदा का हबीब है, रिश्ते हलाल हक की रजा के करीब है। नज्जार हो, लोहार हो, मोची के नाई हो, रोजी वो है जो हाथ से अपनी कमाई हो। इसका मतलब ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान मेहनत करता है अल्लाह उससे बहुत प्यार करता है और वो अल्लाह का दोस्त होता है, और इसके हलाल कमाना अल्लाह का हुक्म है। अब आइए बंद नंबर चार की तरफ चलते हैं। इंसान पर तो इनका करम था ही बेहिसाब, हैवान भी थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से फैजियाब। दी को हमारे वास्ते आसान बना दिया, नेकी का एक सादा सा मतलब बता दिया। इसका मतलब ये है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान और जानवर दोनों के साथ अच्छे थे। यानी हमारा दीन हमारे लिए आसान बना दिया और नेकी करने का मतलब भी सिखा दिया। यानी हमें हर किसी के साथ भलाई करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको नात की तमाम तर तशरीहात समझ में आ गई होंगी। अब आइए नात के मुश्किल अल्फाज की तरफ चलते हैं। मुश्किल अल्फाज मेरे साथ ऊंची आवाज में पढ़िए। नंबर एक जहानों, नंबर दो गुलिस्तान, नंबर तीन सहरा, नंबर चार चराते, नंबर पांच झड़बेरियों, नंबर छह पेवन, नंबर सात मेहनती, नंबर आठ फैजिया। अब आते हैं हम नात के नए अल्फाज के मायनों की तरफ। नए अल्फाज के मायने, अल्फाज मायने। नंबर एक नूर, नूर का मतलब है रोशनी। नंबर दो फरमान, फरमान का मतलब है हुक्म। नंबर तीन गुलिस्तान, गुलिस्तान का मतलब है बाग। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको तस्वीरी तफहीम नजर आ रही होगी।
तस्वीरें गौर से देखिए और जुमले पढ़कर तस्वीरों पर दुरुस्त नंबर लगाइए। चलिए आइए मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको तस्वीरों को देखकर सही नंबर लगाने हैं। नंबर एक, एक नन्ही चींटी का पांव फिसला और वो नदी में जा गिरी। नंबर दो, चींटी नदी में डूबने वाली थी, वो चिल्लाई मुझे बचाओ। नंबर तीन, एक चिड़िया दरख्त की डाल पर बैठी थी। नंबर चार, उसने चींटी को देखा तो एक पत्ता तोड़कर नदी में फेंक दिया। नंबर पाँच, चींटी बड़ी मुश्किल से पत्ते पर चढ़ी। नंबर छह, पत्ता बहते बहते दरिया के किनारे जा लगा। नंबर सात, चींटी पत्ते से उतरकर जमीन पर आ गई। नंबर आठ, चींटी ने डाल पर बैठी चिड़िया का शुक्रिया अदा किया। आपने ये तस्वीरी तफहीम सुनी, इसी के मुताबिक आपको किताब के अंदर तस्वीरें देखते हुए नंबर लगाने हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ आपको डॉल्फिन मछली नजर आ रही होगी कि वो समंदर के किनारे पड़ी हुई है और कुछ लोग भी उसे देख रहे हैं। तस्वीर देखकर मागून अल्फाज की मदद से चार या पांच जुमलों का नसर पारा यानी पैराग्राफ लिखेंगे आप किताब में। मागून अल्फाज ये हैं, डॉल्फिन मछली समंदर के किनारे पानी के बगैर तड़प, बहुत से लोग जमा हो गए, मिलजुल कर समंदर में धकेला, लोगों ने तस्वीरें, बच्चों ने तालियां बजाई। इन मागून अल्फाज को देखते हुए आपने पांच या चार या छह लाइनों का पैराग्राफ लिखना है किताब में।